फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको खोए और मैदे से साटोरी बनाना सिखा रही हूँ। साटोरी एक मीठा व्यंजन है जो कि आप किसी भी समय बना सकते हो और किसी भी फेस्टिवल में भी आप इसको ट्राई कर सकते हो। इसके लिए जो मैंने मटेरियल लिया है वो आप देखें। एक कटोरी मैदा, थोड़ा सा दूध, घी, भुना हुआ खोया एक कटोरी, एक कटोरी पिसी हुई चीनी और ये है इलायची पाउडर। तो ये इसका आपको जैसे आप भुजिया के लिए बनाते हो डब वैसे बना लेना है। मैदा, उसमें मोयन के लिए घी और दूध, हल्का हल्का दूध डाल के आपको एक डब तैयार कर लेना है। ये डब मैंने यहाँ पहले से तैयार करके रखा है। ऐसा मैंने आटा मार के रखा है, ये आटा मार के रखा है। अब इससे मैं और उसके बाद में खोए को चीनी में मिला के और इलायची पाउडर मिला के ये मैंने इसका मिश्रण भरा हुआ तैयार करके स्टफिंग तैयार करके। तो मैं अब आपको बनाना सिखाती हूँ। इसलिए आपने मैदे की छोटी गोली बनानी है, मैदे की छोटी गोलियाँ गोली बनानी है। ऐसे मैंने दो तीन गोलियाँ बनानी है, इसकी छोटी छोटी पूरी बनाएंगे। अब इसको बेलूंगी, बेल रही हूँ। पतली पूरी बेल दी इसकी, एक ये पूरी बेल दी है और एक और पूरी बेल दी है। जैसे आप भुजिया के लिए डब बनाते हो, पता ढूंढते हो, बस उसी का अंदाज लेकर आपको इसका भी आपको आटा बनाना है। अब जो है ये मैंने दो पूरी बनाई है। अब मैं इसमें बराबर सामग्री पूरी रखूंगी और इसको अच्छी तरह से बंद कर दूंगी ताकि ये किसी तरह से भी खुले नहीं। देखिए आपका तैयार हो गई है। आप इसमें थोड़ा सा घी लेके इसको सेकूंगी। तब मैंने पहले से गर्म करके रखा है। बहुत जल्दी बनने वाली और तो इसमें घी भी कम लगेगा आपको। तो आपको डीप फ्राई नहीं करना है कि आपको इसकी घी भी इसमें कम लगेगा। अब मैं रोटी बना रही हूँ। पहले से ही बराबर बना के रखी मैदा और चीनी मिक्स करके उसमें इलायची पाउडर डालूंगी। उसके बाद ये जो है इसके सिरे मैं ऐसे बंद करूंगी। दूध इसलिए लगाते हैं ताकि ही इसकी जो सिरे हैं इसके खुले नहीं। थोड़ा सा हल्का सा घी डालिए, ज्यादा घी डालने की जरूरत नहीं।
पास खोया नहीं है तो आप पेड़ा भी ले सकती हैं, पेड़ा भर के भी बनाओ। गरम गरम सर्व करें, चाहे तो आप सर्व करें। देखिए सटोरी बन गई। ये फ्रेंड्स, आपको मेरा रेसिपी मेरी पसंद आए प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को